हेलो हाय। अरे ब्रो, आई एम कमिंग टू ई कॉलेज। आई डोंट नो हाउ टू गेट। ब्रदर, द बेस्ट ऑप्शन इज आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ। वहां पे काफी लोगों ने डाली होती हैं घर की, रूम की, जहां पे जाके आप अकोमोडेशन अपनी ढूंढ सकते हो। तो आई सजेस्ट यू, आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ, तो वहां से चांसेस हैं कि आपको मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आजकल थोड़ा समर सीजन में थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि काफी टूरिस्ट आ जाता है, तो थोड़े रेंट भी इंक्रीज कर देते हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है, बट मिल जाएंगे आपको। आप ट्राई करें उसको एक बार। जैक जैक सर, माल्टा कैसे आए? तो यार मुझे ये बताओ कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार हाय कर दो, कि मुझे एक बार आइडिया लग जाए कि हाँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है। ठीक है, ठीक है। ब्रदर देखो, अगर आप माल्टा आना चाहते हो, मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाली हैं, कि सबसे बेहतर तो ऑप्शन देखो यही है कि किसी एजेंट को पैसे देने से अच्छा है कि आप खुद ट्राई करें, खुद अप्लाई करें। ऑनलाइन काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके जॉब ढूंढ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी फील्ड कौन सी है, उस फील्ड के रिलेटेड आप वीडियो बनाए। वीडियो बनाने का मतलब है सीवी बनाए। जैसा आप सीवी बनाएंगे, है ना, एक अच्छा सा सीवी बनाइए, एक कवर लेटर बनाइए, और जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, या एक्सपीरियंस है आपका, या फ्रेशर भी हैं, या जिसमें भी आप रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट है आपका, उस फील्ड में अप्लाई कीजिए। और काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, लिंक्डइन बहुत अच्छी ऑप्शन है, लिंक्डइन से काफ़ी लोग हायर हुए हैं, तो लिंक्डइन पे एक अच्छा अकाउंट बना लो अपना। फैब मास्टर ब्रदर, जब आपका इंटेक कौन सा है, कब आ रहे हो आप माल्टा, आप मुझे बताओ, फिर अगर मेरी नॉलेज में अगर कोई हुआ रूम वगैरह तो आई विल लेट यू नो। हेलो यार, हेलो एजेंट, 8 लाख मांग रहा है। वही आपसे बात कर रहा हूँ। देखो, कोई 6 भी मांगता है, कोई 5 भी मांगता है, कोई 8 भी मांगता है, कोई 12 भी मांगता है, तो इतने पैसे इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप पहले ट्राई करो, है ना। 2-3 महीने आपको देने पड़ेंगे खुद को, कि देखो अगर 8 लाख रुपए एजेंट मांग रहा है, तो 8 लाख रुपए अगर आप सेव करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ट्राई करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, कि अप्लाई करते रहो, क्या पता। देखो, लक है, ऑल अबाउट लक है। जॉब्स ऐसा नहीं है कि लोग एजेंट के थ्रू ही आते हैं, डायरेक्ट भी आते हैं। मैंने एक दो लोगों का इंटरव्यू भी इसमें डाला हुआ है अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसे दे के एजेंट के थ्रू ही आ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई करके आ सकते हैं। सब लक है कि आपका सीवी किसी को, एम्प्लॉयर को अच्छा लग गया और आपको वो जॉब मिल गई। तो ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। टूरिस्ट वीजा पे आके जॉब ढूंढ सकते हैं, यानी सब कुछ कितना खर्चा लग सकता है। टूरिस्ट वीजा पे आके आप जॉब ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। दिक्कत टूरिस्ट वीजा पे आके आपको आपको ये आ सकती है कि जैसे टूरिस्ट वीजा, देखिए, हो सकता है 10 दिन का मिले आपको, 15 दिन का मिले, या 1 महीने का मिले। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको जॉब ढूंढ के आपकी जो एप्लीकेशन होती है वर्क परमिट की, वो सब आप सबमिट होनी चाहिए। अगर आपका 10 दिन का टूरिस्ट वीजा है, तो 10 दिन के अंदर, जब तक आपका वीजा वैलिड है, उस 10 दिन के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होनी चाहिए। तो सारा टाइम आपको उसी पीरियड ऑफ टाइम में करना पड़ेगा, उसी में मैनेज करना पड़ेगा आपको।
तो ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है कि आप टूरिस्ट वीजा पे आते हो, जॉब ढूंढ लोगे, साथ के साथ अप्लाई करा दोगे, बहुत अच्छा है। अगर लेट हो गए तो आपकी वर्क परमिट की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव नहीं होगी, अगर आपका जो टूरिस्ट वीजा की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाए तो। जुलाई इनटेक है आपका, और आपका वीजा वगैरह आ चुका है कि अभी आप वेट कर रहे हैं वीजा का? जल्द निखिल कमल आजा आजा, ऑफिस जॉब के लिए काम कौन सी है? ऑफिस जॉब के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है लिंक्डइन। इवन कि मैंने भी अपनी जो जॉब चेंज की थी वो लिंक्डइन के थ्रू की थी, मैं भी काफी टाइम से जॉब देख रहा था, तो लिंक्डइन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, वही मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा। फैमिली के लिए देखो, एक तो माल्टा बहुत अच्छा है, सेफ कंट्री है, अगर हम बात करें क्राइम रेट की तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना? तो वो काफी अच्छी सेफ कंट्री है, फैमिली के लिए भी अच्छी है, जॉब मिल जाती है इजिली अगर आप यहाँ पे लोकल अवेलेबल हो, और यहाँ पे काफी चाइल्ड केयर भी है, जहाँ पे अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप वहाँ चाइल्ड केयर में बच्चे को सकते हो और खुद जॉब पे जा सकते हो। तो उनकी एक टाइमिंग्स होती है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की, ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स वो खुले रहते हैं, वो पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती है चाइल्ड केयर की, जिसमें आप जाके बच्चे को रख सकते हैं, और वहाँ स्टडी वगैरह भी, जैसे प्ले प्ले वे बने होते हैं, यहाँ पे भी काफी सारे बने हुए हैं प्ले वे, तो वहाँ पे भी आप बच्चों को कर सकते हो। बिंदु सिंह, हाँ जी वीरिंदर, मिस यू ब्रदर, मिस यू टू, जल्दी मिलेंगे इंडिया। मैं ठीक हूँ भाई, तू बता कैसा है? पीयर हो सकता है, पीयर के देखिए माल्टा में चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि होती नहीं है, पीयर होती है, बट टाइम देना पड़ता है। पहले तो 5 साल आपको मिनिमम यहाँ पे रुकना पड़ता है माल्टा में, जब आप 5 साल यहाँ पे रह लेते हैं तो आपको एक बेसिक लैंग्वेज कोर्स करना होता है यहाँ के लिए, वो लैंग्वेज कोर्स आप जब कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपकी 5 साल की एक आईडी बनती है। तो ये 5 साल की आईडी जब बन जाती है, फिर 5 साल आपको पहले रहते हो जाने चाहिए, उसके बाद आप इलिजिबल होते हैं, अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर लेते हैं माल्टीज लैंग्वेज का, तो फिर आपका एक 5 साल की आईडी बन जाती है, उसके बाद आप फिर वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए, बट बहुत डिफिकल्ट है कि पीआर इजीली नहीं मिलती है। हेलो अमित, आरपी सिंह आपकी सारी वीडियो देखते हैं, योर थैंक यू सो मच आरपी सिंह। आज मैंने भी काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि लाइव जाके थोड़ी बात करते हैं, आप लोगों के काफी मुझे मैसेज आते हैं, और आई एम सो सॉरी मैं सबको रिवर्ट नहीं कर पाता हूँ, कोशिश होती है मेरी कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करूँ, बट थोड़ा स्केड्यूल बहुत बिजी है, शेड्यूल यहाँ बहुत बिजी है, तो टाइमिंग का बहुत होता है। अभी यहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं, इंडिया में आफ्टरनून हो चुका है, तो थोड़ा टाइमिंग का भी प्रॉब्लम आता है। फैब मास्टर, माल्टा से अगर मूव होना आगे क्या प्रोसेस है? देखो माल्टा एक शेनिगन कंट्री में आता है, तो अगर आपके पास माल्टा का वीजा है तो आप किसी भी शेनिगन कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो, आपको वीजा की जरूरत नहीं है, एज ए टूरिस्ट आप ट्रेवल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके माल्टा के वीजा पे आप कहीं और काम कर सकते हो। काम करना चाहते हो तो उसके लिए अदर शेनिगन कंट्री आप जाके खुद जॉब ढूंढ सकते हो, अगर आपको जॉब मिलती है तो आप अपना वीजा जो है वर्क वीजा में कन्वर्ट करा सकते हो, तो यही प्रोसेस होता है। आप कहीं पे भी जाओ, टूरिस्ट वीजा पे आप जा रहे हो, अगर आपको जॉब मिल रही है, जॉब लेटर मिल रहा है, एम्प्लॉयर आपको मिल रहा है, तो आप वो करवा सकते हो, तो ये बेटर ऑप्शन है कि आप शेनिगन एरिया में हो। एटलीस्ट माल्टा का सबसे बेनिफिट यही है कि आप शेनिगन कंट्री में हो, 27 कंट्रीज आती हैं शेनिगन में, जहाँ पे आप कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते हो। अमित, डिलीवरी बॉय का काम है? डिलीवरी बॉय का काम जरूर है, काम थोड़ा कम हुआ है, अगर एज कंपेयर अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें या उससे पिछले साल की बात करें, काम है अभी भी है, बट इतना काम नहीं है, ऑलरेडी काफी यहाँ पे डिलीवरी बॉय आ चुके हैं, आ भी रहे हैं, तो काम तो देखो चलता रहेगा, काम कभी भी नहीं रुकेगा, बट ये है कि थोड़ा असर जरूर पड़ जाता है काम पे। अगर आपका डिलीवरी में है, एक्सपीरियंस है, टैक्सी बहुत अच्छी ऑप्शन है, टैक्सी ड्राइवर बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं जब सीजन आता है, नॉन सीजन में प्रॉब्लम काम कम होता है, बट काम तो है ही है, काम चल ही रहा है।
माल्टा से अगर मूव होना हो तो प्रोसेस है डिलीवरी। पांच सात साल का गैप है दुबई के बाद बिजनेस में फंस गया हो। ब्रदर देखो गैप से प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जितना भी गैप हो है ना उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता 1% भी। आपका जिस भी रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस था पहले आप काम करते थे अभी क्या करते हो तो उसके हिसाब से आप अपना सीवी बना सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। गैप मैटर नहीं करता। यहाँ पे 50 साल के लोग भी वर्क परमिट पे आते हैं 55 ईयर्स का लोगों का भी वर्क परमिट लगता है तो गैप मैटर नहीं करता यहाँ पे। माल्टा में कार मैकेनिक की जॉब कैसे मिलेगी? माल्टा में कार मैकेनिक की जॉब देखो यहाँ आके ढूंढोगे तो बहुत इजीली मिलेगी क्योंकि यहाँ पे मैकेनिक जो है वो लोकल ज्यादा है कार मैकेनिक और वो बहुत बिजी होते हैं। सीजन होता है तो बहुत बिजी होते हैं। अगर आपने आज कुछ रिपेयर कराना है तो हो सकता है 2-4 दिन बाद ही आपको वो गाड़ी मिले। तो जॉब्स हैं मैकेनिक की जॉब्स हैं बट वो लोकल अगर आप यहाँ अगर आप अवेलेबल हो तो थोड़ा इजी है कि आपको जॉब जल्दी मिल जाए। ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आप कर सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से आप गूगल कीजिए है ना उनके नाम आ जाते हैं तो आप अपना सीवी भेजिए क्योंकि ये जो स्किल जॉब्स हैं उनकी तो डिमांड रहती ही रहती है तो ट्राई करते रहिए आप। स्टडी वीजा छोड़ के तो नहीं मूव सकता। स्टडी वीजा देखो छोड़ के मूव होने का तो मैं नहीं कहूंगा। अगर आप स्टडी पे आ रहे हो तो देखो स्टडी एक आप जितना भी आपकी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो पूरा करो क्योंकि स्टडी देखो करोगे तो आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बनेगा तो कल को आगे चल के आपका ही बेनिफिट होगा। बाकी आप एज ए टूरिस्ट आप ट्रैवल कर सकते हो चाहे आप स्टडी वीजा पे आए हो आप ट्रैवल कर सकते हो किसी भी शेंगेन कंट्री में। मेरा सपना है माल्टा आने का। मैं चाहता हूँ कि गल्फ का एक्सपीरियंस लेके यूरोप जाकर। लोग कहते हैं कि सऊदी अरब ब्रदर देखो सऊदी अब मैं सऊदी के बारे में तो नहीं बता सकता हालांकि मैं वहाँ मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं वहाँ रहा हूँ। बाकी डिपेंड करता है देखिए आपकी जॉब पे कि वहाँ 10 लोग इकट्ठे रह रहे हैं 20 लोग रह रहे हैं कई लोग 2 जने भी रहते हैं 4 भी रहते हैं रूम में। वो डिपेंड करता है कि आप जॉब किस कंपनी में कर रहे हो कंपनी टू कंपनी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है देखो बेनिफिट्स भी हैं तो नेगेटिव चीजें भी हैं तो आपको पॉजिटिव रहना है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा किसी भी कंट्री में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अच्छाइयाँ भी है हर जगह बुराइयाँ भी है तो अच्छाइयों को आप याद रखो और अपने गोल पे फोकस करो कि आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हो जो आप सोचते हो बस लगे रहो। इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे ये नेगेटिव चीज है वो है। अभी जो आप काम कर रहे हो अगर आप उस काम में अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हो या आपको लगता है कि आपको और पैसा ज्यादा कमाना चाहिए या ग्रो नहीं हो पा रही है लाइफ है ना कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ट्राई करते रहो अप्लाई करो। नेगेटिव चीजें तो देखो लगी रहेंगी ज्यादा नेगेटिव लोगों के टच में मत रहो और अप्लाई करो कुछ नहीं होता जॉब सब लक का गेम है मिल जाती है जॉब इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट टाइम जॉब वाले को भी टैक्स पे करना पड़ता है प्रसाद चौधरी। जी हाँ पे करना पड़ता है। सबसे पहले तो जब आप फुल टाइम देखिए जॉब कर रहे हैं फुल टाइम जॉब जब आप करते हैं तो पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है जॉब प्लस से। जॉब प्लस की फीस होती है 120 यूरो 120 यूरो उनकी फीस होती है पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करने का। जब आपकी पार्ट टाइम वो अप्लाई कर देते हैं जॉब प्लस आपको कंफर्मेशन दे देता है कि हाँ आप फुल टाइम के साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं तो उसका 10% जो टैक्स है वो डिडक्ट होता है आपकी जो भी सैलरी है जो पार्ट टाइम की। सपोज कीजिए अगर आप 400 यूरो कमा रहे हैं तो उसका 10% यानी 40 यूरो आपको टैक्स करना पड़ेगा। पूजा लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन का जॉब है जॉब्स देखिए बिल्कुल जॉब्स हैं यहाँ पे देखिए बट लॉजिस्टिक्स में यहाँ अगर हम बात करें तो कंपनीज का कम है काफी कम है तो थोड़े ऑप्शंस कम है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन के या ऑफिस वर्क के रिलेटेड आपको जॉब चाहिए तो ऑफिस वर्क के लिए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के
की काफी जॉब्स होती हैं, तो उसमें आप ट्राई कर सकती हैं। डिलीवरी बॉय में क्या किया हुआ है, रेटियो क्या है? अमन दहिया। बॉय में किया, वीजा देखो आ रहे हैं अभी 2 दिन पहले, एक मेरे दोस्त ही उनका वीजा आया है, वो डिलीवरी में ही आए हैं वो। जैक वैग देख रहे हैं, आई एम फ्रॉम मोहाली पंजाब। मोहाली में कहाँ से, कौन से फेस में रहते हो आप? मेरा जॉब, ये बहुत क्वेश्चन आता है, सब पूछते हैं मेरे से कि मैं क्या जॉब करता हूँ। मैं यहाँ पे काम करता हूँ आई गेमिंग सेक्टर में, माल्टा में आई गेमिंग का हब है, तो मैं एज ए गेम प्रेजेंटर आई गेमिंग का जॉब करता हूँ, आई गेमिंग कंपनी में। कम से कम पैसे में कैसे आ सकते हैं वर्क परमिट? देखिए, अगर कम से कम आप पैसों में आना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई करते रहिए जब तक आपको सफलता ना मिले। रोज 3-4 कंपनियों में अप्लाई करिए, करते रहिए, कोई पता नहीं है कब आपकी किस्मत चमक जाए। वही ऑप्शन है कम से कम पैसों में आने की, 280 यूरो फीस है आइडेंटी माल्टा की, ठीक है जी। उसके बाद जब आप माल्टा आते हैं, माल्टा आने के बाद एक तो टिकट लेके आनी पड़ेगी आपको 40 से 50 हज़ार की, बाकी यहाँ TRC कार्ड अप्लाई होता है, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप जाके देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई TRC कार्ड इन माल्टा। तो उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि क्या क्या खर्चे हैं। अराउंड 700 से 800 यूरो TRC कार्ड का है, तो ये लगा लीजिए 1.5 से 2 लाख में आप यहाँ आ जाएंगे और आपका कार्ड भी बन जाएगा अगर आप खुद जॉब ढूंढ लेते हैं तो। वहाँ टूरिस्ट वीजा आकर जॉब सीकर वीजा या वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते, वर्क वीजा में कन्वर्ट करा सकते हैं, जॉब सीकर वीजा में कन्वर्ट नहीं होगा यहाँ माल्टा में। यहाँ पे डायरेक्ट आपको जॉब वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, तो वर्क परमिट पे आप कन्वर्ट करा सकते हैं। मोहम्मद रफीक, अगर आप माल्टा में 8 आवर्स की ड्यूटी करते हैं तो क्या 6 आवर ओवर टाइम मिल जाता है? देखो, 8 घंटे काम करने के बाद 6 घंटे ओवर टाइम करना बहुत मुश्किल है ना। 14 घंटे अगर आप रेगुलर करोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है, काम कर सकते हैं 12 घंटे लोग करते हैं, कई लोग 14 भी करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उन कंपनी को कितनी जरूरत है आगे काम की, वो उनका कोई काम पेंडिंग पड़ा है। कई बार होता है कि लोग 14 घंटे भी काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप काम कर सकते हो, बट वो डिपेंड करेगा कि कंपनी आपसे 14 घंटे काम करवाएगी कि नहीं करवाएगी, वो उन पे डिपेंड करता है, उनके काम पे डिपेंड करता है। तो हाँ, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। दुबई से वीजा रेटियो इस समय सही है, हालांकि सक्सेस रेट की अभी मैं बात करूं तो 60-40 है, 60% वीजा आए हैं अगर हम मई की बात करें 15 मई तक, और 40% रिफ्यूज भी हुए हैं। जैक वैग, ओह निखिल रॉय फेस 6, ठीक है निखिल रॉय। निखिल रॉय कोई अच्छी सी मूवी का लिंक भेज देना मुझे, तो आज मेरी छुट्टी है तो वो मैं देखूंगा। सर, पोलैंड में सैलरी कितनी है, सेविंग कितनी हो जाती है? अमन भैया देखो, फिलहाल मैंने जो ये लाइव शुरू किया था, ये किया था माल्टा के रिलेटेड ही। पोलैंड में भी देखिए, बेसिक जो अगर हम बात करें, जो सैलरीज हैं, जो एवरेज सैलरी बात करें, वो 700 से 800 यूरो से शुरू हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आप अच्छी फील्ड में काम कर रहे हो तो 1200 से 1500 या 1500 2000 भी कमा सकते हो, बट वो डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हो। और सेविंग की बात करें, अगर हम पूरे यूरोप में अगर हम बात करें, मैं जर्मनी वगैरह की बात नहीं करूंगा, और ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो डिपेंड करेगा कि आप अर्निंग कितनी कर रहे हो। अगर आप माल्टा की अगर हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ 1200 अर्निंग कर रहे हो, तो आपका 400 यूरो एक्सपेंस हो के आप 800 यूरो सेव कर सकते हो। पोलैंड में भी सेम है, अगर आप 1000 यूरो आप कर रहे हो तो आपका 300 से 400 खर्चा तो हो गई होगा। आप किसी कहीं पे भी रहो इन कंट्रीज में जहाँ 1200 से 1500 कमाते हो, तो वहां पे मिनिमम आपका 400 यूरो तो एक्सपेंस हो गई, तो आप खुद उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितनी सेविंग कर सकते हो। तो एक मैं आपको ये रफली आइडिया दे रहा हूँ अमन भैया जी। स्टडी वीजा पर TRC कितनी देर बाद अप्लाई होती है?
टीआरसी स्टडी वीजा की मिल जाती है, वो आपको अपने जो आपके कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी हैं उनसे बात करनी पड़ती है, वो करवाते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं उसमें कुछ, तो वो देते होते हैं। भाई शुक्रिया आपने सवाल का जवाब देने का, यू आर वेलकम। माल्टा में हाउस कीपिंग क्लीनर वेयर हाउस जॉब में कितने पैसे सेविंग हो जाते हैं नॉर्मल खर्चा करके? हाउस कीपिंग क्लीनर में मैंने ये वीडियो भी बनाई थी कि एवरेज हमें 5.5 यूरो पर आवर मिलता है, 6 भी मिल जाता है, तो उसमें अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं, अगर 1200 भी कमाते हैं तो 350 से 400 यूरो आपका खर्चा होगा, तो 800 यूरो तक आप सेव कर सकते हो। हर्ष मेहता ब्रो, 20 दिन हो गए पासपोर्ट दिए हुए, प्लीज कब तक आएगा? वीएफएस में आपने पासपोर्ट सबमिट कराया हुआ है? कहाँ पे सबमिट, इंडिया में कराया है, कहाँ पे कराया है? देखो अगर सिंगल रूम लेते हैं आप तो वो एक्सपेंसिव होता है, रूम शेयर करते हैं तो 200 तक मिल जाता है, और आपका खाना पीना इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है, कई फ्लैट्स में होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल है वो इंक्लूड होता है, तो मिनिमम 200 तो आपका आएगा आएगा महीने का रहने का खर्चा, खाना पीना आपका अलग है। विनायक भाई, मैंने माल्टा का कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करके भेजा है एम्प्लॉयर को लास्ट वीक, अभी वर्क परमिट आने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो अभी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विनायक, तो सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉयर को कहो कि आपकी जो फाइल है आइडेंटिटी माल्टा में सबमिट करे वर्क परमिट के लिए। जब आपकी फाइल सबमिट होगी, आपको एक लिंक आता है, वो आप चाहे उनसे मंगा सकते हो, जिसमें आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो कि आपका स्टेटस क्या चल रहा है एप्लीकेशन का, और आजकल जो टाइम लग रहा है 1.5 से 2 महीना भी लग रहा है, 1 से 2 महीने में फिलहाल अप्रूवल्स आ रही हैं, तो आ जानी चाहिए, दिक्कत नहीं है कोई। हर्ष मेहता, दिल्ली में जमा कराया है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने फाइल सबमिट कराई थी इसी मंथ में 2 को 2nd ऑफ मई, और इसके अलावा 3rd ऑफ मई को भी कराई थी, तो अभी उनका भी वेटिंग में है, तो आप लगा लो कि 1 महीना उनको भी होने वाला है, 25 दिन हो गए हैं, तो वैसे जो आजकल टाइम लग रहा है वो 35 से 40 डेज लग रहे हैं, इतना टाइम पीरियड लग रहा है, तो आपको थोड़ा भी वेट करना पड़ेगा, अराउंड 15 दिन वेट करना पड़ेगा। भाई माल्टा कैसे हूँ, 230 203 से जगह अप्लाई कर चुका हूँ, कैसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? ब्रदर आप कौन सी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो? नीरज राजपूत, ये एक बार मुझे बताना। क्लीनर हाउसकीपिंग जॉब में कितना सेविंग हो सकता है? ओके, ये तो मैंने आपको, जो वीजा एप्लीकेशन ज्योतिष ज्योतिष ने मुझे हैज बीन डिस्पैच टू वीएफएल, ये जब हम फाइल सबमिट करते हैं ना ज्योतिष, तब ये हमें ईमेल आती है, हैज बीन डिस्पैच टू वीएफएस ग्लोबल न्यू दिल्ली। आप मुझे एक बात बताओ कि ये आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है, आजकल ये मेल्स हैं वो काफी सारी कर रहे हैं, इवन के मैसेज भी आ रहे हैं, 5-6 मैसेज आ रहे हैं, एक हम सबसे पहले जब हम फाइल सबमिट कराते हैं तब हमें आती है, 4 दिन बाद एक और हमें ईमेल आती है, तो आपको फाइल सबमिट करवाए कितना टाइम हो गया? क्योंकि आजकल कईयों को तो ऐसे भी एसएमएस आ रहे हैं कि आपकी जो फाइल है वो माल्टा भेजी गई है फर्दर प्रोसेस के लिए, फिर वो वापस आती है, फिर एम्बेसी इंडियन एम्बेसी दोबारा भेज रहे हैं, फिर वीएफएस भेज रहे हैं, तो एक बार मुझे बताना कि आपने सबमिट कब करवाई थी फाइलें। टोनी स्टॉल, थैंक यू, फाइल जमा है अभी, यही मैसेज आया है, क्या मतलब अभी फाइल जमा है तो यही है कि अभी आपको ये पहला मैसेज है जो आपको आया है, जब हम वीएफएस में फाइल सबमिट कराते हैं तो फर्दर प्रोसेस के लिए वो एम्बेसी भेजते हैं, तो वही मैसेज है, अभी कम से कम आपको लगेगा 20 से 25 दिन तो वेट करना पड़ेगा। एसी टेक्नीशियन हेल्पर का आ सकते हैं हर्ष मेहता? देखो आ सकते हैं, एसी किसी में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं मैं बात कर पाऊंगा कि एसी टेक्नीशियन हेल्पर में आ सकते हैं कि नहीं, या तो आप टेक्नीशियन में ही आ सकते हैं, है ना, क्योंकि हेल्पर एक अलग ट्रेड हो गई कि पर्टिकुलर चीज के लिए आप अगर आप अप्लाई करते हैं कि मैंने एसी टेक्नीशियन हेल्पर के लिए आना है, तो
थोड़े चांसेस कम हो सकते हैं। आप बेहतर है कि अगर आपको नॉलेज है तो एज ए टेक्नीशियन ही आप अप्लाई करें, और जब यहाँ आते हैं तो आपको थोड़ा बहुत, तो देखो हर कंट्री में सिस्टम अलग होते हैं, तो थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाती है। अगर आपको नॉलेज है टेक्नीशियन की तो आप डायरेक्ट टेक्नीशियन में अप्लाई कीजिए, ना कि हेल्पर में। दुबई से बोल रहे हैं, 2200 की टिकट है, आप एजेंट कीजिए चीप फ्लाइट। मोहम्मद रफीक दुबई से, मैं समझा नहीं, सॉरी ब्रदर, आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं कि 2000 की टिकट है, एजेंट कीजिए चीप फ्लाइट। आप थोड़ा सा मुझे, आप अगर अच्छे से एक बार ये बता सके कैसे रूम अटेंडेंट के लिए। देखिए अगर आपने अप्लाई करना है तो बेस्ट यही है कि गूगल पे चाहिए, देखिए होटल्स इन माल्टा, बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे, उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कैरियर पेज बना होता है, वहाँ पे उन्होंने वैकेंसी डाली होती है, या आप उनकी ईमेल आईडी उठा सकते हो होटल की वेबसाइट से, उनको अपने सीवी भेजिए, ईमेल कीजिए। कईयों ने की भी ईमेल मांग सकते हैं कि मुझे जॉब अप्लाई करनी है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो जितने भी होटल्स हैं सबको गूगल कीजिए, और नाम आ जाएंगे गूगल पे आपको, और होटल की साइट्स पे जाके आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। नीरज भाई वेयर हाउस में काम कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड माल्टा में कर चुका हूँ भाई, साइट कौन खोलने का मन भी नहीं करता। ब्रदर देखो कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, 1 महीना 2 महीना, मुझे पता है बहुत दिक्कत है, कहना बहुत आसान है कि आप ट्राई करते रहिए ट्राई करते रहिए। जब हम ट्राई करते रहते हैं कुछ नहीं होता तो थोड़ा हम डिमोटिवेट भी होते हैं, बट सवाल वहीं पे आता है कि अगर जो लोग 8 लाख रुपए, 10 लाख या 6 लाख रुपए खर्च के आ रहे हैं, है ना, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी और डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। बाकी मैं सबको ये बोलता हूँ, ऑल अबाउट लक है, कि आप अपना काम अच्छे से करिए, बाकी लक पे छोड़ दीजिए। आपका दाना पानी होगा, किस्मत होगी, तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। काम बनते हैं ऐसा नहीं है, सबके बनते हैं, कईयों का जल्दी बन जाता है, कईयों में टाइम लगता है, तो होप मत छोड़ो यार। क्षितिज मैंने अभी आपको यही है कि आप क्लीनर हाउस कीपिंग में, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि कितना आप सेव कर सकते हो, तो सेविंग में वही है कि आप देखिए डिपेंड करेगा, अगर आप 1000 यूरो बना रहे हैं तो 350-400 खर्च के आप 600-700 यूरो बचा सकते हो। ओवर टाइम करते हैं 1500 तक कमाते हैं तो आप 1000-1100 लाख रुपए इंडिया का बचा सकते हैं, इतना मिनिमम बचा सकते हैं अगर आप ओवर टाइम लगाते हैं तो। आरपी सिंह मेरे से डायरेक्ट बात करनी है, माल्टा आना है, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं तो मैं खुद आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, अगर आप माल्टा आते हैं कोई दिक्कत आती है आपको तो। ज्योतिष तो मुझे 25 तारीख को 10 दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाए पहले। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी टाइम लगेगा, मतलब अभी आपको ज्यादा टाइम हुआ नहीं है तो अभी आप वेट कीजिए, अभी कम से कम 20 दिन और लगेंगे आपके, कम से कम 20 दिन लगेंगे, अभी ये टाइम लग रहा है। हाँ जी बनाएंगे विक्की बिल्ला के साथ नई वीडियो। ज्योतिष मेरे पासपोर्ट पे ये माल्टा गया हुआ है। हाँ जी मैसेज आता होता है कि माल्टा आया, अभी माल्टा से वापस इंडिया आएगा, फिर एम्बेसी में जाएगा। अभी ये लगा लीजिए कि अभी आपको 15 दिन का टाइम लग जाएगा, कितना प्रोसेसिंग टाइम अभी और लगेगा, 15 दिन वेट करना पड़ेगा आपको। देखिए सबसे चीप फ्लाइट तो स्काई स्कैनर में आप जाके देख सकते हैं, स्काई स्कैनर में काफी चीप फ्लाइट्स आ जाती हैं। दुबई से मैक्सिमम लोग या तो वाया साइप्रस आते हैं, लाराना का हॉल्ट होता है, या तुर्किश से भी आ जाते हैं। आप देखिए आपका बैगेज कितना है, स्काई स्कैनर पे सच की अच्छी ऑप्शन है, वहां से आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाएगी। ज्योतिष डिलीवरी बॉय और कुरियर बॉय की जॉब में क्या अंतर है, क्या मैं कुरियर जॉब किया था उसमें, मैंने 1 साल का हो सकता है मुझे लिया। डिलीवरी देखो डिलीवरी बॉय और जो है कुरियर बॉय की जॉब में कोई फर्क नहीं है, वो कहने का अलग अलग तरीका है,
कोरियर यहाँ पे कोई इतनी कोरियर कंपनीज नहीं है जैसे अपने इंडिया में होती हैं, DTDC और काफी होती हैं, DHL, FedEx, यहाँ पे सिर्फ एक कोरियर कंपनी है DHL। तो उसमें तो ऑब्वियसली आपकी जॉब नहीं होगी, आपको एज ए डिलीवरी बॉय जो है उसमें ही जॉब आपको अप्लाई की होगी। वो कई डिलीवरी बॉय लिख देते हैं, कोई कोरियर बॉय लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, सेम बात है। सुखराम शर्मा, हेलो। हाँ जी, हेलो जी। एज लिमिट, गोफी ब्लॉगर, एज लिमिट कुछ नहीं है, 18 साल से लेके आप 50 साल, 55 साल तक कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। माल्टा मदीना के हॉन्टेड हाउस में जॉब कैसे मिलेगा? मिल जाएगा निखिल, यहाँ पे जब आएगा तो तुझे मैं लेके चलूंगा, फिर तू देखियो, खुद ही बात कर लियो। आई होप अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप मुझे अभी लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं और 5 मिनट के लिए लाइव हूँ, उसके बाद मुझे कुछ काम से मुझे निकलना है। एज लिमिट कुछ नहीं है गोफी, आप 18 से 55 साल का कोई भी व्यक्ति यहाँ अप्लाई कर सकता है। बाकी आपका एक्सपीरियंस होगा अगर किसी रेलिवेंट फील्ड में तो ज़्यादा बेहतर है, चांसेस और अच्छे होते हैं। वीरेंद्र, मे बी वीरेंद्र अपनी बात हुई होगी इसके बारे में, मूवर से यार देखो लोडिंग अनलोडिंग ही हो गया ये, मूवर पिकर्स, मूवर लोडिंग अनलोडिंग का ही काम है ये आपका ना, तो जैसे सामान लोड करना काम होता है। हाँ जी जरूर, कुछ होगा आप जब आने वाले होंगे मुझे बताना, फैब मास्टर्स, तो मैं अगर कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। दुबई से 20,000 देना मांग रहे हैं माल्टा के लिए आप यार। ब्रदर देखो 20,000 दिराम की अगर हम बात करें तो अराउंड 4 साढ़े 4 लाख रुपए इंडियन करेंसी में होते हैं। तो यार मैं तो सजेस्ट वैसे भी नहीं करता कि आप इतने पेमेंट खर्चो, दुबई में बैठे हो आप, ट्राई करो, चांसेस होंगे, आपको खुद ही जॉब मिल जाएगी अगर आपका एक्सपीरियंस है। तो यही है कि पहले आप खुद ट्राई करो, है ना। बाकी मैं पेमेंट के बारे में तो नहीं बता सकता कि इतने जेनुइन है इतने नहीं है, है ना। तो खुद ट्राई करो ज़्यादा अच्छा है, बाकी मांगने वाले इंडिया करेंसी की बात करूँ तो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख मांगने वाले बहुत कुछ मांग रहे हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना देना चाहते हैं, आपको लगता है कि जेन्युइन है तो आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। कुणाल पांडे, एम बी कॉम ग्रेजुएट लुकिंग फॉर अकाउंट रिलेटेड वर्क इन माल्टा, व्हाट इज द बेसिक सैलरी एम बी कॉम ग्रेजुएट इन माल्टा? ब्रदर इफ यू हैव एक्सपीरियंस सो आपको जो सैलरी ऑफर होती है वो डिपेंड करेगा पहले तो आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो। अगर अच्छी कंपनी के साथ काम करोगे तो जो आपका जो सैलरी है 16,000 यूरो पर ईयर से शुरू हो जाएगी, 16,000, 18,000, उसमें टैक्स डिडक्शन होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 1,200, 1,300 यूरो स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगी मिनिमम। यस आई एम परसुइंग करंटली अप्रिशिएट। ब्रदर आप अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई करो, होटल्स में आप जैसे आप ऑलरेडी कर रहे हो तो चांसेस हैं, क्योंकि टूरिस्ट सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो काफी सारी रिक्वायरमेंट आती हैं जॉब्स की ना। योर वेलकम ज्योतिष जी। गोफी यू कैन अप्लाई एट एनी टाइम, प्रॉब्लम नहीं है कि आपके 15 महीने हो जाएंगे, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपके 3 साल का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए या 2 साल का होना चाहिए,
साल का भी एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपके पास काम है कि नहीं, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है कि नहीं। हाँ जी वरिंदर जी, मूवर्स का लोडिंग का ही काम होता है बेसिकली। हाँ जी फरदीन जी, क्या सवाल है आपका? रफीक जी, माल्टा में सीजन मार्च एंड यानी यानी आप अप्रैल से लगा लो, जब समर शुरू होते हैं, अप्रैल से लेके अक्टूबर मिड तक चलता है, तब काफी टूरिस्ट होता है यहाँ पे। जरूर कुणाल जी, आएंगे तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डैम कीजिएगा, तो डीएम कीजिएगा, तो हम जरूर मिलेंगे। कोई बात नहीं अचार, आप फिलहाल आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। एक्सपीरियंस लेटर वगैरह तो जब आपकी फाइल सबमिट होती है तब लगते हैं, उससे पहले एक्सपीरियंस लेटर चाहिए नहीं होते हैं सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन। तो इन बिटवीन आप जॉब तो अप्लाई अभी से करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है जब आपके 15 महीने पूरे हो तो एटलीस्ट आपके पास जॉब हो या ऑफर लेटर हो। रॉबर्ट, थैंक यू रॉबर्ट, थैंक यू सो मच। मैं ऑनलाइन जॉब करता हूँ, अमेजन पे सेल करता हूँ, माल्टा आऊंगे तो वहां पे टैक्स किस तरह कटेगा? ब्रदर देखो, माल्टा आ रहे हो, आओगे तो ऑब्वियसली आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। तो अगर यहाँ आप जॉब करोगे तो टैक्स उसके हिसाब से ही कटेगा कि आप यहाँ पे जो जॉब कर रहे हो। आप ऑनलाइन जो जॉब कर रहे हो उसका इनको कोई लेना देना नहीं है कि आप उसमें कितना टैक्स पे कर रहे हो। वो आप जो आप माल्टा में जॉब करोगे, अगर आपकी सैलरी आ रही है अकाउंट में आ रही है, तो आपकी उस हिसाब से टैक्स डिडक्शन होगी। बाकी जो अगर आप जापान से हैं, सॉरी फरदीन जी, तो आप जो भी आप अगर पाकिस्तान से हैं या इंडिया में, अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में कोई काम कर रहे हो तो वो टैक्स वहीं पे कटेगा, क्योंकि वहां पे वो आपके उस अकाउंट में पेमेंट आ रही होगी, इंडियन या पाकिस्तानी अकाउंट में। सुरेंद्र राज को भैया, आप किस बारे में लाइव करते हैं? ब्रदर आज पहली बार लाइव आया हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है आपके माल्टा के रिलेटेड, फिलहाल मैं माल्टा में हूँ, तो आप उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई बात करनी हो बात कर सकते हैं। तो फिलहाल आज मेरा पहला है लाइव, तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा फिर कभी आऊँ। तो आई होप बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, कि हमें मोटिवेशन मिलती है कि चलिए हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सके, आपको रियल गाइडेंस दे सके, कि जो एक्चुअल रियलिटी है हम वो आपके सामने लेके आए। तो मेरा यही है मोटिव कि मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूं, कि जो हमने प्रॉब्लम फेस की है कोई और फेस ना करे, तभी ये चैनल बनाने का एक मेन मकसद था। क्योंकि जब मैं खुद आना चाहता था माल्टा, तो मैं भी काफ़ी वीडियोस देखता था, तो मुझे मैक्सिमम जो मैं वीडियोस देखता था मुझे उसमें एक्चुअल कुछ मज़ा नहीं आया, इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो रियल गाइडेंस होती है। तो ही मोटिव था ये चैनल बनाने का। आपके पहले माल्टा के लिए एजेंट 7 रुपये मांग रहा है, काफ़ी ठीक है। ठीक, ये प्राइस के बारे में मैं देखिए कोई कमिटमेंट कुछ नहीं मैं बोलना चाहूँगा। कोई 6 लाख भी लेता है, कोई 7 भी लेता है, कोई 8 भी लेता है, कोई 4 भी लेता है, डिपेंड करता है आपका काम होता है, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको दिक्कत नहीं है 7 लाख देने में, आप दे सकते हैं। मेन बात यही है कि बंदा ऑथेंटिक होना चाहिए, आपका काम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये पेमेंट जल्दी रिकवर कर लोगे तो आप कर सकते हैं। देखिए फिर बैंक में तो आपको टैक्स डिडक्ट हो गई होगा, अगर आप ऑनलाइन वाली सैलरी माल्टा अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि जब भी आप यहाँ माल्टा का अकाउंट खोलते हैं फरदीन जी, तो यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, उसमें कॉलम होते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, ग्रॉस कितनी है, 12 से 15 हज़ार यूरो है साल की, 15 से 25 है, जो भी है, तो उसके हिसाब से कि सैलरी ज़्यादा आ रही है, इनकम आपने कम दिखाई है, तो ऑब्वियसली टैक्स कटेगा। और बैंक के भी चार्जेस होते हैं, वो बैंक के भी कटते हैं, तो वो तो मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप जो इंडियन सैलरी है या वो आप अपने यहाँ शिफ्ट करें।
मोहम्मद रफीक, आई वॉन्ट टू आस्क यू इफ यू डोंट माइंड, वॉट इज योर जॉब इन माल्टा? ब्रदर, आई एम वर्किंग इन आई गेमिंग कंपनी एज ए गेम प्रेजेंटर। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे रॉबर्ट जी। जापान में आप भेजिए, इनविटेशन भेजिए, मैं प्लान कर रहा हूँ थोड़ा ट्रैवल करने का। काफी टाइम हो गया ट्रैवल नहीं, तो प्लान कर रहा हूँ, मेरी वेकेशन हैं जल्दी, तो जरूर आऊंगा। तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, कभी चक्कर लगा तो जरूर मिलेंगे। मेरा इंस्टाग्राम और मैंने ईमेल आईडी मेंशन की हुई है अपने पे, तो आप मुझे उसमें डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर शेयर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मुझे इतनी सारी कॉल्स आ जाती हैं कि मेरे लिए भी वो पॉसिबल नहीं होता कि वो मैं पिक कर पाऊँ, इसीलिए मैंने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल मेंशन की हुई है। आप मुझे उसमें मैसेज कर दिए, जब मुझे टाइम लगता है मैं आपके सारे सवालों का जवाब वहाँ पे आपको दे दूंगा। आपकी भली जी। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक नए लाइव के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।